विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, सभी कैंडिडेट लगभग घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 700 विधानसभा में जो कि मेरठ की सीट है सभी पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी लगभग सभी प्रत्याशी उतार चुकी है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी और लोकदल का जो गठबंधन है केवल एक सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि सभी की तैयारियां हैं, लेकिन इस वक्त न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची हुई है कैंट विधानसभा क्षेत्र के। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक यहाँ आप देखेंगे मेरे साथ बैठे हुए हैं। अपना परिचय आप खुद ही दे दीजिए, आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। अमित अग्रवाल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। जी, आप आपके माध्यम से मैं जनता का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर, आप पहले भी विधायक रहे और काफी लंबा समय लग गया दोबारा टिकट मिलने में, हालांकि दावेदारी पहले भी पेश की थी, लेकिन अब आपको टिकट मिला तो ऐसी सीट पर जहां आप विधायक बने बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसका नेतृत्व सामूहिक है, ना व्यक्तिवाद है और ना परिवारवाद है। बसपा की तरह एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, व्यक्ति बीमार हो गया तो पार्टी बीमार हो गई, परिवार में झगड़ा हो गया तो पार्टी टूट गई। ऐसी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का तो अस्तित्व ही समाप्त है। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता इस पार्टी को चला रहे हैं, जिसमें परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं की काम के आधार पर, उनके काम के आधार पर पहचान करके उनको जनप्रतिनिधि बनाने का मौका देती है, बनने का मौका देती है। कभी कोई सांसद बनता है, कभी कोई सांसद भी कोई भी विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए दे देते हैं। भारतेंदु सांसद रह चुके हैं, भारतेंदु को पार्टी ने आज विधायक के लिए खड़ा कर दिया। तो पार्टी की इच्छा है किसको कहाँ लगाना है, ये तो होगी तमाम बातें। लेकिन तीन बार से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं विधायक, आपको यहाँ पर टिकट दिया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपको भी अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या काम कराने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या आपने कुछ देखा है अभी तक? देखिए, तीन बार नहीं, सतप्रकाश अग्रवाल जी चार बार विधायक रहे, हमारी याद में तीन बार रहे, चार चौथा ये समाप्त हो रहा है अब। और उससे पहले मैं दो बार रहा, उससे पहले भी दो विधायक स्वर्गीय परमात्मा श्री मित्तल और उनकी पत्नी शशि मित्तल जी रही। 89 से भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ लहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये अब गढ़ है। मेरठ छावनी भारतीय जनता पार्टी की छावनी है और यहाँ का मतदाता बड़ा जागरूक है, मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। मैं विकास कार्य की बात कर रहा हूँ, अगर बनते हैं तो आपकी नजरों में ऐसे क्या काम है, सभी काम करा दिया? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम कराया था, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी ने भी बहुत काम कराया है। देखिए, पार्टी ने कितना बड़ा काम कराया है, दिल्ली जाने में 3.5 घंटे लगते थे, अब है दिल्ली दूर नहीं, अब 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं हम लोग। अभी रैपिड रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल, सबसे पहली रेल एशिया की मेरठ को मिली है, जो 45 मिनट में हमको दिल्ली पहुंचा देगी। मेट्रो की भी तैयारी है, लखनऊ और प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, शिलान्यास हो चुका, प्रधानमंत्री शिलान्यास कर चुके हैं। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिलान्यास मोदी जी कर चुके हैं और मेरठ को वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के योजना में माननीय योगी जी ने चयन किया। मेरठ का स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, उसका बहुत बड़ा विकास होगा। तो विकास की तो गंगा यहाँ बह रही है, गंगा तो मेरठ में बहती ही है, लेकिन अब विकास भी गंगा बह रही है मेरठ। आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रही और सतप्रकाश जी को लोग कहते रहे कि इन क्षेत्रों का जो ध्यान दीजिए, और वो शायद अभी तक नहीं बन पाई, अब तक भी वायरल होती रही। तो आप कह रहे थे लंबे समय से विधायक की यहाँ पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी पर रही, तो ये क्षेत्र ऐसे क्यों बच गए जो अभी लोग सोशल मीडिया पर डालने को मजबूर हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस में टूट फूट तो घर में भी होती है और घर में भी आदमी फिर अपने समय के हिसाब से उसकी मरम्मत कराता है। तो ऐसी सड़कें हैं, भारी वाहन चलते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उनको निरंतर मेंटेनेंस करने का काम है। जिन बातों की, सड़कों की आप बात कर रहे हैं, वो सड़कें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सड़कें बसपा की यहाँ मेयर है उसके कंट्रोल में है। वो जानबूझकर जनता को कष्ट देने के लिए ये मैसेज दिया जाए कि सरकार भाजपा की है और सड़क में गड्ढे हैं। कोई PWD की सड़क जो सरकार के अधीन आती है उसमें कोई गड्ढा नहीं है, जो NHAI है उसमें कोई गड्ढा नहीं है। ये गड्ढे लोकल सड़कें जो नगर निगम के मातहत हैं उसके अंदर बसपा की यहाँ मेयर है, उनकी कमी के कारण से है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किए हैं, लेकिन पूर्व में देखा गया था स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में आए और 5 साल सुख भोगा,
अब वो क्यों चले गए, ऐसी क्या बात रही, क्या नाराजगी रही, क्या आपसे कोई आप पार्टी से कोई ऐसी नाराजगी रही कि वो तमाम तरह के ब्लेम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? अपना अपनी कमियों को और अपनी गलती को छुपाने के लिए वो आरोपित कर रहे हैं भाजपा को। ये चुनाव से पहले, टिकट वितरण से पहले अगर कोई बीच में छोड़ कर जाते और कोई आरोप लगाते तो कोई बात समझ में आने वाली थी। वो तो ऐसे चीटे हैं जो गुड़ खाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, मीठा खाने के लिए पहुँचते हैं। बहन जी के साथ उन्होंने मलाई उतारी, वो चाहते थे यहाँ भी वैसी मलाई उतर जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, तो उनकी यहाँ चटनी नहीं लगी योगी जी के सरकार में। तो वो ही सोचा उन्होंने कि जीत भी जाएंगे तो क्या फायदा है, यहाँ तो सूखा ही रहना है, इसलिए वो चले गए। तो कहा ये जा रहा है कि ये जहाँ सत्ता होती है वहां जाते हैं, पहले बसपा रहे, फिर भाजपा रहे और समाजवादी पार्टी में, उनको ऐसा लगता है कि सपा की सत्ता लौटेगी वापस? सत्ता तो बीजेपी की चल रही है, बीजेपी ही सत्ता में रहने वाली है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। प्रश्न ये है कि कितनी सीटें से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मेरा कैंट में है कि हम कितने विजय आगे, लीड हमारी आगे बढ़ेगी, ऐसी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आगे बढ़ेंगी, इस बात की लड़ाई है। मेरठ में कितनी सीटें मान रहे हैं अपने आप? मेरठ में हमारी एक सीट कम थी, अब तो सातों सीटें आने वाली है मेरठ में। वो मतलब सुपड़ा साफ होना है दूसरों का सुपड़ा साफ किया, वो तो उनके तो मोतियाबिंद हो गया, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा उनको। तो कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मेरठ कैंट में तो देखो ना, गठबंधन को तो जनता समझ गई, उम्मीदवार भी समझ गई, तो ठगबंधन है इसके, वो कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, भाग जा रहे हैं। योगेश शर्मा को कहा तो वो चला गया हस्तनापुर के, मुझे मेरठ कैंट नहीं लड़ना अमित अग्रवाल के खिलाफ। विनोद हरित को कहा तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लड़ना अमित अग्रवाल के खिलाफ। तो इनका क्या है ठगबंधन वालों का? ये तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है। अब मुझे बता दीजिए, आप विधायक अगर बनते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए आपके माध्यम से क्या कुछ होने वाला है, जो जो जनता जो है विश्वास कर रही है कि आप विधायक बन जाएंगे, ऐसा क्या देने वाले हैं आप? देखिए, देने जनता ने मेरा काम देखा है, पहले भी मेरा काम देखा है। अगर किसी व्यक्ति को हरा सेब खिला दो तो हरा सेब तो खट्टा होता है, तो उसको जब बाद में लाल भी दो तो कहता है ये भी खट्टा ही होगा, सेब तो खट्टा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है इस मामले में, उनको उन्होंने मेरठ में मेरा काम देखा है, उन्हें मालूम है कि अमित अग्रवाल विकास करेगा, अमित अग्रवाल ने विकास किया था और आगे भी विकास करेगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूंगा। निश्चित रूप से विकास मेरी योजनाओं के माध्यम से होगा, सरकार की योजना के माध्यम से होगा। जनता जो अपनी कठिनाइयां मुझे बताएगी, जी जैसे आपने बता दिया कि वो कहीं गड्ढा है जनता फेस उस पर डाल रही है, उसका भी मैं निवारण करूंगा, चाहे मेयर बसपा की हो उसको भी मैं चैलेंज करके मैं उसको भी ठीक करूंगा। जनता की हर इच्छा पर खरा उतरूंगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरा करूंगा, मैंने किया और मैं करूंगा। समीकरण बता देंगे थोड़ा सा आप कैंट के? एक तरफा है क्या समीकरण है? नहीं, फिर भी कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कि 0-0 हो जाएंगे सामने वाले। क्या क्या समीकरण है वहां बताओ? सारा समाज का वोट हमारे साथ है, सारे किसान हमारे साथ हैं, सारे श्रमिक हमारे साथ हैं, सारे व्यवसायी हमारे साथ हैं। हम जागेंगे, हमारी जनता आराम से चैन की नींद रात को सोएगी। ये तो ये थे हमारे साथ अमित अग्रवाल, जो पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार भी ताल ठोके हुए हैं, और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी हाई है, इनको साफ तौर पर लग रहा है कि विधायक यही बनेंगे, क्योंकि पूर्व में देखा गया कि सीट पर तमाम जो विधायक रहे हैं वो भाजपा से ही रहे हैं। सीट पर भाजपा को टक्कर देने वाला शायद अभी कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं आया, और बात की जाए गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी की तो यहाँ पर कोई ऐसे खास प्रत्याशी नहीं मैदान में आए हैं जो अमित अग्रवाल को टक्कर दे सके, इस तरीके का इनका कहना है। बहरहाल देखना होगा भविष्य में किस तरीके के समीकरण बनते हैं, और देखा जाए तो ये कितने वोटों से यहाँ विजय होते हैं, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये सीट तो कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ ऑन इंडिया, मेरठ।